जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बीएड सीईटी का जो एग्ज़ाम बराबर कैंसिल हो रहा था, पोस्टपोन्ड हो रहा था कोरोना वायरस की वजह से। तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि फिर से एक नया नोटिस निकल कर आया है बिहार सीईटी बीएड एग्ज़ाम को लेकर, जो इस बार मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम। चलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे देख पाएंगे अपने नोटिस को, कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 24 तारीख को इसी महीने में यानी कि अगस्त में 24 तारीख को एक नया नोटिस निकल कर आया है मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या निकल कर आया है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जैसे ही जाएंगे, आप यहाँ टाइप करेंगे बिहार सीईटी बीएड, बिहार सीईटी बीएड। आप इस पर क्लिक करेंगे यानी कि सर्च बार में सर्च करेंगे, तो सबसे ऊपर जो निकल कर दिख रहा है बिहार सीईटी बीएड LNMU.in, ये आपका ऑफिशियल साइट है बिहार बीडी सीईटी का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल लिंक जो है ऊपर से खुल जाएगा। आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं बिहार बीडी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2020, ये इस बार जो कंडक्ट कर रही है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU, इसको शॉर्ट में बोला गया, जो दरभंगा में है। उसको आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आपको नज़र आने लगेगा लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें कितने बीएड कॉलेज हैं, इसको लेकर इसमें आप देख पा रहे होंगे मगध यूनिवर्सिटी भी है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से नीचे दिख रहा है। और ऊपर अभी जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा दिनांक 19/7/2020 को होने वाली जो परीक्षा है, परीक्षा थी, वो स्थगित कर दी गई थी अगले आदेश तक। ठीक है, स्थगित की जाती है। उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन, यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दिखाते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में आ चुका है, क्या क्या डाउनलोडेड है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप जब डाउनलोड करेंगे यहाँ से, तो इस तरीके से पेज ओपन पीडीएफ में खुलकर होगा। ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर, यानी कि ऑफिस जो नोडल ऑफिसर हैं वहाँ के ऑफिस से ये आया हुआ है नोटिस। देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है ये पूरे 24 अगस्त को ये एक नोटिस निकल कर आया है एग्ज़ाम के रिगार्डेड में। ये लिखा हुआ है सेवा में नोडल पदाधिकारी सीईटी बीएड 2020, बिहार के सभी विश्वविद्यालय विषय सीईटी बीएड 2020 की परीक्षा हेतु प्रस्तावित नई तिथि के संबंध में सूचना। जी हाँ दोस्त, आपको एकदम फाइनल है, इस बार कोई बढ़े उड़ेगा नहीं, क्योंकि आप जान ही रहे हैं फर्स्ट ही एग्ज़ाम हम लोगों को बीएड में 29 मार्च को ही होने वाला था, जो कि अभी तक के नहीं हुआ है। आज तक के एग्ज़ाम होकर रिजल्ट भी आ जाता, एडमिशन भी हो जाता, लेकिन बहुत देर हो चुका है कोरोना वायरस को लेकर। तो अब की जो लास्ट जो नया तिथि का सूचना आया है, ये कभी भी अब फेल नहीं करेगा। पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 29/5/2020 का स्मरण कराते हुए विषयांकित संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि पहला दो निर्देशानुसार सूचित कर रहा है। पहला लिखा हुआ है कोरोना वायरस संक्रमित की बढ़ती प्रवृत्ति एवं आतंकित व्यवस्था को सामान्य नहीं होने के कारण सीईटी बीएड 2020 की परीक्षा प्रस्तावित तिथि 19/7/2020 को स्थगित कर दिया गया था। जी आप जान रहे हैं कि बीएड परीक्षा 19 सितंबर को होने वाला था, तो 19 जुलाई को होने वाला था। ठीक है, तो 19 जुलाई को होने वाला था, जो कि स्थगित कर दिया गया था क्योंकि यातायात की व्यवस्था नहीं थी इसको लेकर। अब यह दूसरा में लिखा है, अब यह परीक्षा कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपायों का अनुपालन करते हुए, इसका मतलब है कि अब जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, वैसा बैठाया जाएगा, सैनिटाइजर ये सब का व्यवस्था किया जाएगा, ऐसा करके लिखा हुआ है
के आलोक में दिनांक 22/9, जी हाँ जूम करके आपको दिखाना चाह रहे हैं, 22/9/2020 को संपन्न कराया जाएगा। फिर से हम बताना चाह रहे हैं कि अब की बार जो नया डेट निकल कर आ रहा है बिहार बीएड सीईटी एग्जाम को लेकर 22/9/2020 यानी कि 22 सितंबर को निकल कर आ रहा है, इस बार लास्ट है। और आप सभी एकदम अपने एग्जाम को तैयारी करते रहिए कि इस बार 22 सितंबर, जी हाँ एक महीने का लगभग टाइम है, एक महीने का नहीं तो 15-20 दिन का टाइम है लगभग अभी से भी, तो आप अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए और इस बार एकदम डेट फेल नहीं होगा, एकदम गारंटी मानिए और इस बार एग्जाम हो के ही रहेगा। तो हम यही जानकारी देने वाले थे कि एक नया नोटिस आया है जो एकदम फिक्स डेट हो गया है एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्त आप हमसे ज़रूर जुड़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन हम हमेशा लाते रहेंगे, तो इसके लिए हम मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर जैसे ही कोई नया सूचना आता है दोस्त फिर से हम नए वीडियो के साथ अगले चैनल पे, इसी चैनल पे अगले फिर कभी मिलेंगे नए नोटिस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।